हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छी हो। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत तगड़ी वीडियो लेके आऊँ, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्या होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, एंड चैनल पे पहली बार विजिट किया ना तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त, आपको बहुत तगड़े तगड़े कॉन्टेंट मिलेंगे, यहाँ पर आपको लर्निंग मिलेगी। ठीक है, यहाँ से सीख के आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत करना, मैं ट्रेड स्टिक को हाइड करता हूँ एंड टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे मेरा देख लो, मैं आज अपने बैक टू बैक अपने टेलीग्राम में 5th शेयर छोड़ दिया अपने SBIP में, जिससे लोग डेली का 10 से 20 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार कमा रहे हैं। आप खुद जाके एक बार टेलीग्राम चैनल पे देखो, विजिट करो, फीडबैक देखोगे ना, जितने याद रखना जिसके ग्रुप में 20, 40 हज़ार, 30 हज़ार मेंबर हैं उनके उतना फीडबैक नहीं आता होगा उनका, लेकिन मेरा उनसे ज़्यादा आता है कि 200-300 प्लस फीडबैक। आप सोच सकते हो 200-300 प्लस फीडबैक क्या होता है। ठीक है, हर एक बंदा डेली के डेली अपने लीडर बोर्ड पर हरियाली लेके जाता है PLT की वजह से, क्योंकि PLT के पास रियल नॉलेज है। PLT MTG रिकवरी नहीं देता। मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड मारी होती, डाउन की ट्रेड मारी होती लॉस हो जाता, तो फिर यहाँ पे मैंने एक और डाउन की ट्रेड मारी होती ये भी लॉस हो जाता। तो MTG रिकवरी दोस्त वो देता है जो तुक्का मारता है, लॉस हुआ MTG मारा, लॉस हुआ, बस बात खत्म। तो भाई MTG रिकवरी के चक्कर में मत पड़ो, अगर आपको रियल नॉलेज चाहिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड टेलीग्राम चैनल पे एक बार विजिट करो। बैक टू बैक डेली शो शॉट मिलता है, डेली लोग लीडर बोर्ड पे हरियाली लेके जा रहे हैं। अगर चैनल पसंद ना आए तो लीव कर देना, बट एटलीस्ट मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार एग्जिट करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। PLT के अलावा इसके बाद आपको कोई चैनल ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब टॉपिक पे आते हैं, अपना मेन टॉपिक है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी मेन होता है, इंटेल OTC का चार्ट खोलता हूँ और इसमें देखो मार्केट इतना ज़्यादा चढ़ चुका है, अब ये मार्केट क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे बायर्स जो हैं अभी भी एक्टिव हैं और सेलर जो है ना, सेलर आ रहे हैं लेकिन वीक सेलर आए हैं। तो मैं यहाँ पे एक कैंडल के लिए अब के लिए और ट्रेड लेने वाला हूँ, वो भी 3-4 ट्रेड लूँगा अब के लिए। देखो मैंने यहाँ पे अब के लिए सिंपल रीजन की वजह से मारा, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी यहाँ पे सेलर वीक हो चुके हैं, अब यहाँ पे बायर्स ही आएंगे, इसलिए मैंने अब की ट्रेड मारी है। देखो यहाँ पे कई पॉसिबिलिटी मैंने लेके ट्रेड मारा है। ठीक है, पहली चीज़ ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप है, बाइंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे गई, रिजेक्शन छोड़ के नीचे तक आई है और एक कंटिन्यूअस कैंडल बनाई। तीसरी चीज़ यहाँ पे बाइंग का प्रेशर है। चौथी चीज़ इस कैंडल को यहाँ पे कवर अप करने एक कैंडल जाएगी ही जाएगी। तो इसी कन्फर्मेशन के साथ मैंने अपना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और ऐसे ही तगड़े तगड़े शेयर शॉट अपने डेली टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। कह रहा हूँ ना, एक बार ज्वाइन करो, अच्छा ना लगे तो एग्जिट कर देना। PLT के पास याद रखना, जो भी आता है दोस्त खाली हाथ कभी नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि अपने पास रियल नॉलेज है, अपन भी गरीबी देखे हैं, वो चीज़ देखे हैं, वो दौर देखे हैं जहाँ पे समझ लो एडमिशन कराने का पैसा नहीं होता था। ठीक है, तो सबकी मजबूरी समझ के डेली अपने ग्रुप में SBIP में डेली के डेली बैक टू बैक शेयर शॉट की बारिश होती है। ठीक है, अगर आपको हरियाली की बारिश पसंद है तो फटाफट टेलीग्राम चैनल पे, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो मैंने कितना अच्छा प्रॉफिट कर लिया और मैंने इस कैंडल को किस बेस पे जज किया, मैं आपको इसका भी रीज़न बताऊंगा। ये कैंडल मेरे अकॉर्डिंग रेड बननी चाहिए। ठीक है दोस्त, मैंने आपके सामने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अगर ये ट्रेड अपनी, देखो मनी मैनेजमेंट ही होता है, अगर अपनी एक ट्रेड लॉस भी होगी तब भी मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहूँगा। तो मनी मैनेजमेंट से हमेशा चलना होता है। अगर आपकी एक ट्रेड लॉस भी हो गई ना, मतलब एक ट्रेड आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया, अब अमाउंट को कम करके यूज करोगे ना, अगर लॉस भी हो जाता है बाई चांस मार्केट में, देखो दोस्त कोई भगवान नहीं, कैंडल किधर भी पलट सकती है, बट एक एक्सपीरियंस होता है, एक नॉलेज होता है जिसके बेस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि हमको काफ़ी टाइम हो गया मार्केट में। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड मारी और ये अपनी ट्रेड डीप आइटम जा रही, जैसा कि मैंने कहा था शो शॉर्ट जाएगी। तो इसके पीछे एक लॉजिक नहीं, 4 से 5 लॉजिक होता है, तब जाके एक ट्रेड कहीं शो शॉर्ट फाइंड होता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड के लिए यहाँ पे कैंडल बहुत ज़्यादा वीक छोड़ा था, सेलर इंटर हुए थे, यहाँ पे सेलर इंटर हुआ, यहाँ पे सेलर इंटर हुआ, एक सेलर इंटर हुआ, तीन कैंडल के बाद एक सेलर इंटर हुआ, तीन कैंडल के बाद अगेन एक सेलर इंटर हुआ। तो मैंने वही पॉसिबिलिटी देख के मारा एंड मुझे पता है कि यहाँ पे वीक छोड़ रहा है, ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है, यहाँ तक सेलर इंटर हुए हैं, यहाँ पे इस कैंडल का लो इस सेलर ने बनाया, इस कैंडल का लो इस सेलर इस बायर ने बनाया। तो जब ऑलरेडी सेलर लो बना चुके हैं तो चांसेस है ना कि एक कैंडल देने के बाद, एक एरर कैंडल देने के बाद एक कैंडल आए यहाँ पे रेड। तो हर जगह देखो मैंने यहाँ पे डाउन क्यों नहीं मारा, क्योंकि मुझे पता था OTC मार्केट है, एरर दे सकता है, एरर देगा ही देगा। इसीलिए भाई यही कहते हैं, एरर कैंडल को भी पहचानना सीखो, रियल नॉलेज होगी तो सब कुछ पहचान सकोगे आप। ठीक है, तो चलो अभी मैं 1-2 ट्रेड और लूँगा। देखो आपको प्रॉपर ट्रेडिंग का रियल नॉलेज दे रहा हूँ, आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी बता रहा हूँ कि आप चांसेस क्या हैं। अब देखो मैं इसी प्रिडिक्शन के बेस पे जहाँ उस पर ट्रेड लिया, जिस तरह से ट्रेंड यहाँ पे अपवर्ड है मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है ट्रेंड अपवर्ड है एंड यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा इंटर, यहाँ पे देखो एक सेलर यहाँ पे इंटर हुआ, एक सेलर यहाँ पे, एक सेलर यहाँ पे एंड यहाँ पे देखो इसने न्यू लो बनाया है। अब देखो मैं एक पुट की ट्रेड लूँगा और एक कन्फर्मेशन और है। ठीक है, वो ट्रेड विन होने के बाद बता दूंगा। ठीक है, अब देखो
मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, अब एक एक ट्रेड क्यों मारा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर लिया है भाई। तो अपने को बड़ा रिस्क लेके प्रॉफिट को देने से मज़ा आएगा क्या? पैसा पैसा होता है दोस्त, बहुत मुश्किल से इंसान एक पैसा कमाता है। तो बस देख लो अपना मनी मैनेजमेंट एंड डेली अगर रियल देखो, मैं जब अपने SBI में सिग्नल देता हूँ ना भाई, तो प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके, एक सिग्नल में भले 5 मिनट लग जाए लेकिन अच्छे से एनालिसिस करके शॉर्ट ही देता हूँ कि जो अपने प्यारे भाई हैं, $50 $60 $100 अगर कहीं से अरेंज करके माँ बाप ने उनको दिया है, या वो कहीं 12 घंटे 8 घंटा कंपनी में काम करके आए हैं, तो उनका वो पैसा गायब ना हो, उस पैसे से वो डबल पैसा कमाए, वो भी 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मेरे SBI में कोई $50 ऐड करके ऐड होता है ना दोस्त, तो वो डेली का डेली $30 $40 $25 $20 $10 कमाता ही कमाता है, 500-700 रुपये। तो ये होती है नॉलेज भाई, दुआ देते हैं, प्यार देते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, एक बार टेलीग्राम चैनल पे मेरी बात मान के विजिट करो, अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर देना, तुरंत एग्जिट कर देना, तुम्हारा दिल जीत लेगा PLT, क्योंकि उसके पास रियल नॉलेज है और इतनी नॉलेज है कि डेली की डेली लीडर बोर्ड पे हरियाली की ही बारिश होती है। ठीक है, तो चलो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो मैं एक दो ट्रेड और आपको, देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, सिंपल मैंने आपको बताया बाइंग का ट्रेंड मैटर नहीं करता है, क्योंकि लोग कहते हैं ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। मैं कहता हूँ कि भाई नॉलेज इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपके पास नॉलेज होगा तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, ट्रेंड नहीं। ट्रेंड यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है एंड सेलर एंटर हुए, सेलर एंटर हुए, यहाँ पे सेलिंग आए, पहले देखो सेलर ऑलरेडी यहाँ तक एग्जिस्ट कर चुके हैं, मतलब यहाँ तक आ चुके हैं, तो नेक्स्ट कैंडल पे इससे भी नीचे सेलर आ गए एंड इसके बाद इसके भी नीचे सेलर आ गए, अगेन बाहर आया, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो न्यू लो बनाया है, तो कैंडल इस न्यू लो को कम्प्लीट करने के लिए पहले आएगी, एक सेलर की कैंडल देगी, उसके बाद कहीं बाइंग का ट्रेंड को फॉलो करेगी। तो ये है भाई अपना सीक्रेट। ठीक है, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी आपको समझना, ये कौन सी कैंडल बनी हल्का से मार्जिन के साथ, ये देखो लोग कहेंगे यहाँ पे ट्रेलिस कैंडल बनी, मुझे डाउन जाना चाहिए। मैं कहता हूँ दोस्त, बहुत लोग देखो मेरे भी अकॉर्डिंग है कि अगर ट्रेलिस कैंडल बनती है तो डाउन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेलर ऑलरेडी यहाँ पे नीचे एग्जिस्ट हो चुके हैं, मतलब यहाँ तक सेलर आ चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों मारा, मैंने यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो किया कि दो ऑलरेडी सेलर यहाँ पे इंटर हो चुके हैं, तो चांसेस ये रहेंगे वेरी हाई कि यहाँ पे एक बायर है। मैंने बहुत अच्छा मार्केट से प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर ये ट्रेड लॉस भी होगी तो अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्ट आप इमेजिन करो एक बार ये प्रिडिक्शन क्या है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आपके सामने समझा रहा हूँ। और देखो एक ट्रेड अपनी लॉस होगी प्रॉफिट होगा, तो हाइपर नहीं होना, पैनिक नहीं होना यार, अच्छे से एनालिसिस करो। अगर आपके पास रियल नॉलेज होगा, मार्केट आपको पैसा दे के जाएगा, मार्केट आपसे पैसा लेगा नहीं। यहाँ पे लोग पैसे गंवाने वाले ज़्यादा हैं, कमाने वाले कम हैं, क्योंकि जो कमाने वाले हैं वो नॉलेज के बेस पे ट्रेड करते हैं, और जो गंवाने वाले हैं वो फालतू उल्टा सीधा ट्रेड करते हैं, स्नैप स्नैप ड्रॉ करके। ठीक है, और MTG रिकवरी लेके। अब देखो ये यहाँ पे न्यू लो बनाया है, एक सेकंड, ये यहाँ पे न्यू लो बनाया है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक ईयर कैंडल दे सकता है, एक सेकंड रुक जाओ, ये न्यू लो बना चुका है, तो मैं एक ईयर कैंडल के लिए यहाँ पे चलता हूँ, ईयर कैंडल कंसीडर करके एक मैं आपके लिए ट्रेड ले लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड क्या क्या सोच के लिया, वो रीज़न आपको बताता हूँ। पहला रीजन ट्रेंड अपवर्ड है, दूसरा रीजन कि ये कैंडल गया, इसको ब्रेक करके यहाँ पे हाई बनाया, तो एक चांसेस है इसको पहले एरर कैंडल देगा, फिर इस न्यू लो को कंप्लीट करके करने आएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था, इस न्यू लो के बाद एक एरर कैंडल दिया आपके लिए, फिर आया यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल, तो यही होती है पॉसिबिलिटी। मैंने आपके सामने बैक टू बैक काफ़ी ट्रेड लिया, एक ट्रेड ही अपनी लॉस में जा रही, बाकी डीप ITM। अब अपनी ये ट्रेड लॉस हो जाएगी तो मैं इस पर MTG थोड़ी ना यूज़ करने वाला हूँ भाई, चेंज करूंगा दूसरा मार्केट अच्छे से देख के, एक श्योर शॉट फाइंड करके अपना प्रॉफिट करना है, लॉस थोड़ी ना करना है। तो रियल नॉलेज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम चैनल पे फटाफट से आ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई एंड मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो वीडियो को स्टॉप करते हैं। ठीक है,